टाइगर 3 का पहला गाना लेके प्रभु का नाम रिलीज किया गया। लगातार इस गाने की तुलना पठान के गाने जूमे जो पठान से हो रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर यह बहस भी अब छिड़ गई है कि कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण में से बेहतर डांसर कौन है, ये तो जनता खुद डिसाइड करेगी। मगर सलमान खान और शाहरुख खान की तुलना पर कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट ने बात की है। टाइगर 3 का लेके प्रभु का नाम और पठान का बेशरम रंग, इन दोनों ही गानों को वैभवी ने ही कोरियोग्राफ किया है। वैभवी का कहना है कि शाहरुख एक इमोशन है, वही सलमान एक वाइब है। लेके प्रभु का नाम वो पहला गाना है जो अरिजीत सिंह ने सलमान खान के लिए गाया है। इस गाने को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हालिया इंटरव्यू में वैभवी मर्चेंट से सलमान और शाहरुख को कोरियोग्राफ करने के अनुभवों पर बात की गई और इस पर वैभवी का कहना है कि शाहरुख जहां एक पोइट्री की किताब है, वही सलमान उपन्यास करार देती है। इंडिया टुडे के साथ हुई बातचीत में वैभवी कहती हैं कि मुझे लगता है कि शाहरुख प्यार, सम्मान, ढेर सारी मेहनत और डिसिप्लिन वाले स्पेस से आते हैं, यानी कि वो डांस स्टेप्स की रिहर्सल करते हैं और पूरी तैयारी के साथ आते हैं। उन्हें लगता है कि वो नेचुरल डांसर नहीं है, मगर उनके भीतर एक डांसर है। जाहिर तौर पर उन्होंने ये काली काली आंखें और तमाम गाने किए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले डांस नहीं किया है, मगर डांस के मामले में वो अभी भी खुद को पारंगत नहीं मानते। इसलिए शाहरुख फुल एनर्जी और पैशन के साथ सेट पर आते हैं और सलमान को कोरियोग्राफ करने पर वैभवी कहती हैं कि वहीं सलमान के डांस में एक किस्म की आसानी है, क्योंकि वो हसलर आदमी है। वो भी प्रेम वाले स्पेस से आते हैं, मगर वो शाहरुख की तरह उस प्रेम को व्यक्त नहीं करते। शाहरुख कविता की किताब है, सलमान एक नॉवल है। मुझे उन दोनों के बारे में ऐसा लगता है, इसलिए मेरा ये मानना है कि शाहरुख एक इमोशन है, वहीं सलमान एक वाइब है। बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में वैभवी ने लेके प्रभु का नाम की शूटिंग के दौरान एक किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि शूटिंग लोकेशन पर सब डांसर लोग तैयारी कर रहे थे। सलमान अपनी कार से आए और सेट के पास गाड़ी पार्क कर दी। वो अंदर बैठकर सभी डांसर्स को गाने का स्टेप करते देखते रहे। थोड़ी देर बाद वो अपनी कार से बाहर आए और वैभवी के असिस्टेंट को बोला कि स्टेप करके दिखाओ। उन्होंने दो बार वो स्टेप करके सलमान को दिखाया और इसके बाद सलमान ने कहा टेक, यानी वो शूटिंग के लिए तैयार हैं। वैभवी बताती हैं कि सलमान की याददाश्त बेहद मजबूत है। वो कैमरे के सामने आए और गाने का वो हिस्सा तुरंत शूट कर दिया। हालांकि जब उनके स्टेप्स मुश्किल होते हैं तो पहले आकर उसकी रिहर्सल भी करते हैं। टाइगर 3 में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी, रणबीर शौरी, विशाल जेठवा और रेवती जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। इस फिल्म का मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया है। टाइगर 3 दिवाली के मौके पर 12 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।